नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्त सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा साइन किए गए कुछ एमओयूज को लेकर, जहां पर दोस्तों गुजरात में जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जो कि 10 जनवरी को लॉन्च होने वाली है, इससे पहले ही गुजरात गवर्नमेंट ने 39 और एमओयूज डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ में साइन कर लिए हैं। एंड इन 39 एमओयूज के चलते लास्ट 6 मंडेज के दौरान जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने टोटल 135 एमओयूज को साइन कर लिया है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 जनवरी को गुजरात स्टेट में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लॉन्च की जाने वाली है, तो इससे पहले वीक्स में जितने भी मंडे आए थे वहां पर गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा प्री इन्वेस्टर समिट्स को ऑर्गेनाइज करवाया गया था और पिछले 6 मंडे से गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा यह काम किया जा रहा था। एंड इस बार ये लास्ट 6th मंडे था जहां पर ओवरऑल 6 मंडेज के दौरान गुजरात गवर्नमेंट ने 60,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के 135 एमओयूज को साइन कर लिया है। और वही बात करें 39 न्यू एमओयूज की, तो ये पोर्ट्स, रेन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन रेन्यूएबल हाइड्रोजन, पेस्टिसाइड्स, सिंथेटिक केमिकल्स, ट्रेनिंग, रिसर्च, एजुकेशन, इन सभी सेक्टर से रिलेटेड है जो कि आने वाले समय में गुजरात की जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करने में काफ़ी योगदान देंगे। अगली दोस्तों जो अपडेट है वो निकल कर आ रही है पुणे मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको महामेट्रो भी कहा जाता है, इनकी तरफ से पुणे मेट्रो का जो एक्सटेंशन है उस पर काम स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि इनका कहना है कि वो आने वाले समय में जो पुणे मेट्रो है उसमें कोई डिले नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ जो पुणे मेट्रो है उसके लिए 3 लाइन्स को बनाकर कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें से 2 लाइन्स ऐसी हैं जो कि महामेट्रो के द्वारा बनाई जा रही हैं एंड 1 लाइन का कंस्ट्रक्शन पीएमआरडीए के द्वारा किया जा रहा है। एंड जो सभी के सभी लाइनें हैं ये खत्म होने के बहुत ही पास पहुंच चुकी है एंड जल्दी ही ये ऑपरेशनल भी हो जाएंगी। एंड इसी को देखते हुए इसका फेज 2, जिसके अंतर्गत जो अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन है इनको एक्सटेंड किया जाने वाला है, उस पर भी काम स्टार्ट हो चुका है जो कि अराउंड 82.5 किलोमीटर की होंगी। इसके लिए एज ऑफ नाउ जो महामेट्रो है उन्होंने डीपीआर बनाने का काम, सर्वे एंड प्लानिंग, इन तीनों चीज़ों पर काम स्टार्ट कर दिया है एंड जल्दी इसकी जो डीपीआर है बनकर तैयार हो जाएगी तो हमें जो न्यू एक्सटेंशन होंगे उसकी भी डिटेल पता चल जाएंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे इंडियन मर्चेंडाइजी एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हर बार की तरह हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इस बार भी जो ट्रेड डेटा है उसको रिलीज कर दिया गया है। एंड इस डेटा के अकॉर्डिंग इस दिसंबर मंथ में हमारे देश के जो मर्चेंडाइजी एक्सपोर्ट्स हैं वो 37.29 बिलियन डॉलर्स को टच कर गए हैं, जो कि इंडियन हिस्ट्री में और एक मंथ में हमारे देश के हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट हैं। तो दोस्तों इस साल में मार्च से लेकर अब तक हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 30 बिलियन डॉलर से हर मंथ ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं। एंड इस बार हमारे दिसंबर में जो मर्चेंडाइजी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं उन्होंने तो रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया है एंड मेनली इसमें फेस्टिव सीजन, न्यू ईयर एंड ग्लोबल डिमांड जो कि काफ़ी तेजी से इंक्रीज होती चली जा रही है, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमारे दिसंबर में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 37% तक इंक्रीज कर गए हैं, क्योंकि सेम पीरियड 2020 में हमारे जो दिसंबर में एक्सपोर्ट थे वो 27.22 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड किए गए थे एंड वहीं दिसंबर 2019 के मुकाबले में भी ये ऑलमोस्ट 37% से कुछ ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि दिसंबर 2019 में भी हमारे जो मर्चेंडाइजी एक्सपोर्ट्स थे वो 27.11 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड किए गए थे। और वही दोस्तों बात करें मेन 400 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट टारगेट की, तो इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 9 मंथ्स में यानी कि अप्रैल से दिसंबर के बीच में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, स्पेसिफिकली जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, वो 299.74 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट 300 बिलियन डॉलर्स के करीब है। एंड अगर अगले 3 महीने के अंदर अंदर हमारे देश के द्वारा 100 बिलियन डॉलर्स के और भी एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं तो 400 बिलियन डॉलर्स का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैं उनके द्वारा कहा गया है कि हमारी रेलवेज का जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रूट है उसका प्रेजेंट टाइम में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो अराउंड 75% तक कंप्लीट हो चुका है एंड वहीं उसका जो रिमेनिंग 25% का काम है उसको अब फास्टैग बेसिस पर डाल दिया गया है, क्योंकि हमारी रेलवेज है वो चाहती है कि इस साल के एंड तक हमारे देश के जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रूट्स हैं वो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो जाए। तो दोस्तों हमारे देश के जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रूट्स हैं वो असम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन एरियाज में नहीं आते हैं एंड मोस्टली जो रूट्स हैं ये यूपी, उत्तराखंड, बिहार, इन स्टेट्स में आते हैं। और वहीं जो असम एंड अरुणाचल प्रदेश में रेलवे रूट्स हैं वो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जोन है उनके अंडर में आते हैं। और वहीं बात करें नॉर्थ ईस्टर्न रूट्स के बारे में, तो इनके बारे में एज सच इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर जो रूट है उसका डेटा तो नहीं बताया गया है, लेकिन हमारी रेलवे के द्वारा सिर्फ यही कहा गया है कि इसका अराउंड 75% काम कंप्लीट हो चुका है एंड इसी साल के एंड तक ये पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे।
अगली दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उनके द्वारा 3D AMG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है, ताकि आने वाले समय में जो एक्सप्रेसवे है ये इसकी डेडलाइन को मिस ना करे एंड डेडलाइन से पहले पहले इसका जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है ये आने वाले समय में यूपी स्टेट के दो मेजर इंडस्ट्रियल टाउन्स को कनेक्ट करेगा और प्रेजेंट टाइम में इसका जो टेंडर है उस पर काम चल रहा है। और वैसे भी हमारे देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मल्टीपल रीजंस के चलते डिले हो जाते हैं एंड ये हमारे देश की खासियत ही रही है, और वहीं आगे से हमारे देश में इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले ना हो, इसी के चलते हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उनके द्वारा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस मॉड्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों ये टेक्नोलॉजी ये करती ये है कि अर्थवर्क एंड पेविंग टाइम के समय ये जो 3D इंजीनियरिंग मॉडल्स एंड जो हाई प्रसिजन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं उनको गाइड करने का काम करती है। और क्योंकि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जस्ट 63 किलोमीटर का ही होने वाला है जो कि काफ़ी छोटा एक्सप्रेसवे होगा, तो इसी के चलते हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है वो इस न्यू टेक्नोलॉजी को इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज़ करेगी। और अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल रहती है तो आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है इसको हमारे देश के जो बड़े बड़े हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज होंगे उनके कंस्ट्रक्शन में भी इसको यूज़ किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा मुंबई के फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को अप्रूव कर दिया गया है एंड नाउ अकॉर्डिंगली जो बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दूं, तो सबसे पहले मुंबई में जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है इसको मुंबई के गोवंडी एरिया में जो दियोनार है वहां पर बनाकर कंप्लीट किया जाएगा एंड इसका जो प्लान है उसको बीएमसी के द्वारा बनाया गया है। और वही प्लांट्स के अकॉर्डिंग जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होगा इसको दियोनार में 12.19 हेक्टेयर्स के एरिया में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा एंड डेली यहां पर 600 मैट्रिक टन ऑफ वेस्ट को प्रोसेस करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा। और एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो डेली यहां से 4 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकेगा। और वहीं दोस्तों बात करें इसके डेवलपमेंट की, तो इसके डेवलपमेंट के लिए जो बीएमसी है उनके द्वारा 504 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। और वहीं जिस जगह पर इसको सेटअप किया जा रहा है वो लोकेशन इसके लिए बिल्कुल ही सूटेबल है, क्योंकि देवनार में अराउंड 120 हेक्टेयर्स के एरिया में काफ़ी बड़ा डंपिंग ग्राउंड फैला है जहाँ पर काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो वेस्ट है उसको डंप भी किया जाता है एंड आने वाले समय में यहाँ पर जो वेस्ट प्रोसेसिंग है वो काफ़ी एफिशिएंटली भी हो पाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे नेशनल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी का जो मार्केट साइज है उसको और भी इंक्रीज करते हुए इसके जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा हिंट दिया गया है कि आने वाले समय में जो LIC है मोस्ट प्रोबेबली इस जनवरी मंथ के थर्ड वीक में ही जो LIC है उनके द्वारा उनके जो IPO को लेकर ड्राफ्ट पेपर्स हैं वो हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सबमिट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से LIC को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन, IPO मेनली इस पर ही बातें हो रही हैं एंड काफ़ी लंबे समय से हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनके द्वारा LIC को ये भी कहा जा रहा था कि वो IPO पर जाए एंड उनके अकॉर्डिंग जो LIC है उसको जल्दी ही IPO के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो LIC है ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनके अंडर में ही आती है। एंड नाउ अब ये जो बातें हैं ये हमें सच होती देखने को मिल रही है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के थर्ड वीक में जो LIC है उनके द्वारा उनके IPO के लिए जो ड्राफ्ट पेपर्स हैं उनको फाइल कर दिया जाएगा और ये बात ऑफिशियल्स के द्वारा खुद कंफर्म की गई है। और वहीं अगर ये IPO लॉन्च होता है तो प्लांस के अकॉर्डिंग जो IPO होगा ये 100,000 करोड़ रुपीज का होगा, जो कि आने वाले समय में इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा इक्विटी ऑफरिंग होने वाला है। दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में इसके लिए जो बातें वो कैसे आगे जाती हैं। आज की दोस्तों एक लास्ट अपडेट और बहुत ही बेहतरीन अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको एक काफ़ी बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए दुबई बेस्ड मल्टीनेशनल रियल एस्टेट जॉइंट इमार ग्रुप के द्वारा कहा गया है कि वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो कैपिटल सिटी श्रीनगर है वहां पर एक मेगा मॉल को सेटअप करने वाले हैं जो कि अराउंड 500,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा। दोस्तों अभी एक दो दिन पहले ही मैंने आपको बताया था जहां पर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड वहां का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो हमारे देश के दूसरे लोग एंड साथ साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ओपन कर दिया गया है। एंड इमार प्रॉपर्टीज जो कि काफ़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है अब उनके द्वारा कहा गया है कि वो श्रीनगर में 500,000 स्क्वायर फीट के एरिया में काफ़ी बड़ा मॉल सेटअप करेंगे एंड इसको सेटअप करने के लिए दुबई एंड जम्मू एंड कश्मीर यहाँ दोनों की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने MOU भी साइन कर लिया है। और हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी ओपनिंग के बाद में ये सबसे पहली FDI है जो कि हमें मेगा मॉल के रूप में देखने को मिलेगी एंड ये आने वाले समय में यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके डेवलपमेंट में काफ़ी बेनिफिशियल रोल प्ले करने वाली है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।